राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला। आवास समिति ने जारी किया नोटिस, 22 अप्रैल तक का दिया समय। संसद सदस्यता खो चुके राहुल गांधी को एक महीने के अंदर तुगलक रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। लोकसभा की आवास समिति की ओर से उन्हें नोटिस जारी करके कहा गया है कि 22 अप्रैल तक वह बंगला खाली कर दें, जो उन्हें एक संसद सदस्य के रूप में दिया गया था। सूत्रों के अनुसार अगर राहुल थोड़े और समय की मांग करेंगे तो समिति उस पर विचार कर सकती है। वैसे राहुल अगर कोर्ट जाकर अपने दोष सिद्धि पर रोक लगवाने में सफल होते हैं तो स्थिति बदल सकती है। राहुल 12 तुगलक लेन के आवास में वर्ष 2005 से रह रहे हैं। सूरत कोर्ट के निर्णय के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट का निर्णय आने के दिन 23 मार्च से ही खत्म कर दी थी। सचिवालय ने याद दिलाया था कि कानूनन दोष सिद्ध के बाद तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द हो जाती है। नियमतः सदस्यता खत्म होने के बाद एक महीने के अंदर बंगला खाली कराना होगा। ऐसे में उन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार अगर राहुल गांधी किसी कारणवश इस समयावधि में बंगला खाली नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा समय देने का आग्रह करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्राविधान है कि आग्रह किया जाए और समिति चाहे तो उनके बताए कारण की वैधता के आधार पर कुछ समय के लिए बंगला बाजार दर पर किराया देकर साथ रखा जा सकता है, लेकिन उसकी अवधि बहुत लंबी नहीं होती है। राहुल को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राजनीति गर्म है। विपक्ष की ओर से सरकार पर लोकतंत्र हनन का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जानबूझकर संसद से हटाया गया है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से इसमें सरकार की किसी भूमिका को खारिज करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार के लिए विशेषाधिकार चाहती है। जो कानून सब पर लागू है वह राहुल गांधी पर भी लागू होगा। अब जबकि सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से इसे भी मुद्दा बनाया जा सकता है। लोकसभा की आवास समिति में विभिन्न दलों के 11 सदस्य हैं और भाजपा सांसद सीआर पाटिल इसके अध्यक्ष हैं। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों को भी प्रेषित किया गया है, जिनमें संपदा निदेशालय और नई दिल्ली नगर निगम शामिल हैं। कांग्रेस सदस्यों का लोकसभा में उत्पात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरुद्ध एकजुट समूचे विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर देश में लोकतंत्र को कुचले जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में काले कपड़े पहनकर आए विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामे नारेबाजी के जरिए राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले का विरोध करते हुए अदाणी विवाद पर जेपीसी के गठन की मांग उठाई। लोकसभा में कांग्रेस के दो सदस्यों ने स्पीकर के आसन की ओर पर्चे भी फेंके। संसद ठप होने के बाद करीब 18 दल के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। काफी अरसे बाद तृणमूल कांग्रेस भी सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस के साथ इस विरोध में शामिल हुई। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को विपक्षी दलों के तीखे तेवरों के संकेत सुबह ही मिल गए थे, जब राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से विपक्षी नेताओं की बुलाई बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो सदस्यों को भेजा, लेकिन वीडी सावरकर के विरुद्ध राहुल की टिप्पणी का सांकेतिक विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने पोस्टरों बैनरों के साथ वेल में जाकर हंगामा नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अदाणी विवाद उठाते हुए विपक्षी सांसदों ने JPC की मांग की।